हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं डीकैथलॉन शॉप गया हुआ था। वहाँ मैंने काफ़ी सारे गॉगल्स चेक किए हुए थे। ये वाला गॉगल्स मैंने चश्मा वहाँ चेक किया, तो वहाँ इसकी जो प्राइस मतलब 500 रुपये के करीब ये वाला आपको चश्मा देखने को मिला। कितना ज़्यादा महंगा इस प्राइस रेंज में ये वाला गॉगल्स आपको लेना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं। और मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया, इतने कम प्राइस मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गॉगल्स है कैसा है, ओवरऑल लुक कैसा है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है या नहीं, सब ओवरऑल लुक मैं आपको बता दूँ। तो पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पहनने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। यदि बाइक चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, तो आपको इसे लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन करते हैं। देख पा रहे हैं चारों तरफ से इसका जो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ढका हुआ है, यहाँ पर थोड़ा स्टील का बना हुआ है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब 500 रुपये में ये चश्मा मिल रहा है। सोच रहे हो 500 रुपये में आप 100-100 रुपये का भी चश्मा लेंगे तो 5 तो चश्मा आ जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें क्या खास है जो 500 रुपये आपको डीकैथलॉन शॉप में दे रहा है, तो आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूँ आपको डीकैथलॉन पे शॉप पे जाके इसे बिल्कुल भी परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही प्राइस ज़्यादा है, 500 रुपये मत ही लो इसे। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे पास में यहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहाँ से मैंने इसे परचेस किया, 80 रुपये में सिर्फ परचेस किया, मतलब आधे से एक तिहाई दाम, एक तिहाई फीस, आप समझ सकते हो कितना, 80 रुपये में ये चश्मा मुझे मिल गया, तो मत समझ रहे हो ना। और मैं पर्सनली डीकैथलॉन शॉप गया हुआ था, सेम चश्मा है, बस यार जो स्टील का लगा हो ये बस नहीं था, बाकी पूरा सेम है, कोई भी अंतर नहीं था। वो 500 रुपये मिल रहा है, वही चश्मा आपको मेला में लेंगे तो 80 रुपये 100 रुपये मिल जा रहा था, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा लूट है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आपको ऑफलाइन ही परचेस करना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस क्या है उस प्रोडक्ट के पीछे, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं। तो देख पा रहे काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे लगा, तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑफलाइन पहले चेकआउट कर लूँ उसके बाद ही परचेस करूँ। तो एक बार काफ़ी अच्छा शाइनिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छा लुक, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ कि ओवरऑल लुक है कैसा देखने को मिलेगा, साइड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को धूप में भी पहन कर दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है किस टाइप का ब्लैक है। ये प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा मैटी ब्लैक में मैं बोल सकता हूँ। मैं देख पा रहे इस तरीके से इसका ओवरऑल लुक आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको पूरा पास से दिखा देता हूँ कि कैसा ओवरऑल लुक देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे इस तरीके से इसका जो ओवरऑल लुक है, साइड की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा स्टील टाइप का बना हुआ, बाकी पूरा प्लास्टिक का मैं बोल सकता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये मुझे लगा, 80 रुपये में इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल नहीं सकता। तो आप प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डीकैथलॉन से परचेज ना करें, इस तरीके से ऑफलाइन इस चश्मे को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।